नमस्कार, हम एशियन डिटेक्टर से है, हैदराबाद तेलंगाना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9010548894। आज का वीडियो में अपन बात करने वाला है गोल्ड रेसर प्रो मेटल डिटेक्टर। सच में ये जो पत्थर है तो उसके नीचे से सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा? बहुत सारे ट्रेडिशनल डिटेक्टर्स हैं, वो रियलिटी में जब पत्थर रहता है उसके नीचे से सिग्नल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब पूरा पत्थर के साथ इसको भरा दिया। अब इसके से नीचे से सिग्नल जाता है या नहीं जाएगा अपन देखेंगे। ट्रेडिशनल डिटेक्टर में क्या होता है, अगर आप मोशन मोड में यूज करा है तब डेप्थ नहीं जाएगा, कोई मेटल उसके नीचे है यानी पत्थर के नीचे सिग्नल जाना मुश्किल हो जाता है, मगर ये तो ऐसा नहीं है। अभी ये वीडियो आप देख सकते हैं मोशन और नॉन मोशन में। ऑलरेडी ये मशीन तो ऑन करके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑलरेडी ऑन करके ग्राउंड बैलेंसिंग भी सेट करा हूँ। आजू बाजू में इतने सारे मेटल्स है फिर भी कुछ इरिटेटिंग आवाज नहीं आ रहा है, खरखर बोल के आवाज नहीं आ रहा है। कारण है ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है। कौन से भी मेटल डिटेक्टर ले लीजिए जो बैकग्राउंड का हमिंग का हाउस साउंड को कम करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, मशीन को सही तरीके से चलाना चाहिए तभी कुछ इरिटेटिंग का आवाज नहीं आता है, खरखर बोल के आवाज आना बंद हो जाता है। अभी यहां पर देखिए ये जो पत्थर है, या दूर से आपको बता दूंगा, देखिए ये सीमेंट से कॉन्क्रीट से, सीमेंट और कॉन्क्रीट दोनों मिला के है और ब्रिक भी यहाँ पर है, इससे ये ऑलरेडी बनाया सो है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्क्रीट से लेइंग है। अभी इसके साथ में अपन इसके पीछे कुछ मेटल लगाए तो पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा वो भी देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये स्टोन है, देखिए फोन नजदीक आता है आवाज आ रहा है वो, इसीलिए थोड़ा दूर लगाता हूँ। ये देखिए ये भी स्टोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये तो पूरा कॉन्क्रीट से बना हुआ है, देख सकते हैं आप छोटी छोटी जो पत्थर है कॉन्क्रीट, उसके नीचे सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल डिटेक्टर्स में आपको एक ही प्रॉब्लम होता है, जो एक्चुअल फील्ड पे जाएगा यानी अगर ओपन हवा पे कुछ लगाए तो वो तो सिग्नल तो जाएगा, आवाज़ भी ईजी आता है। अभी देखिए यहाँ पर ये मार्बल का पत्थर है, ये भी यहाँ पर लगा दिया, फिर भी इतना सारे पत्थर रहने के बाद में भी अगर सिग्नल गया तो मशीन को अपन बोल सकते हैं ये मशीन काम करता है। तो वही गोल्ड रेसर प्रो के बारे में आज का वीडियो में अपन देखेंगे। ये भी पत्थर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये पूरा कॉन्क्रीट से है, ये सीमेंट का लेइंग है, और ये भी है यहाँ पर पत्थर, देखिए ये तो पूरा बेतम चरला का पत्थर है ये, या देख सकते हैं पूरे के पूरा पत्थर है। पत्थर से भी पत्थर अगर कुछ रहा तो, मेटल उसके नीचे रहा तो भी सिग्नल जाने के लिए ये वीडियो हम बना रहे। सच में ये गोल्ड रेसर प्रो जाएगा या नहीं जाएगा, देखिए गोल्ड रेसर प्रो जो चीज है मेटल डिटेक्टर है, इसमें दो मॉडल से, एक गोल्ड रेसर 2 है, गोल्ड रेसर 2 अलग है, गोल्ड रेसर प्रो अलग है। गोल्ड रेसर प्रो में थोड़ा तो आपने को डिस्टर्बेंस भी बहुत कम आ रहा है, सिग्नल भी ज़्यादा डीप जा रहा है, तो गोल्ड रेसर 2 अलग रहता है, रेसर प्रो अलग रहेगा। यहाँ पर अगर देख लिया तो आपको मालूम होता है गोल्ड रेसर प्रो पैकेज करके इसमें क्या क्या आपने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 इंच को कॉइल भी मिलता है, ये छोटा कॉइल भी मिलेगा साथ में, ये स्क्रीन को लगाने के लिए, और जो हेडफोन्स भी इसके साथ में आता है। तो अभी इसका जो अपन सेटिंग्स करेंगे, आई मीन ऑलरेडी सेटिंग तो कर दिया हूँ मैं, तो देखिए कुछ बैकग्राउंड का हमिंग आवाज नहीं आ रहा है, कारण है मैं सेटिंग ऑलरेडी कर दिया, अभी मशीन भी चालू है, ठीक है। अभी अपन शुरू से करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा ये ले लेंगे, एक छोटा सा कॉपर है, तो ये कितने फीट पे पकड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैं ये लगा दिया हूँ 4 फीट 5 फीट टेप लगाया सो हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, या 3 फीट या 2 फीट या 1 फीट, कौन सा मेटल कितने फीट पे पकड़ता है वो भी आप देखेंगे। अभी ये छोटा सा एक कॉपर को क्वाइन है, एक आटाना के जैसा है, अभी मशीन देखिए कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, देख सकते यहाँ पर एक पत्थर भी है, ठीक है। अभी पत्थर के नीचे से ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा देखेंगे। आवाज सुन सकते हैं आराम से, एक फुट तक ये जो मेटल को पकड़ रहा है,
या देख सकते हैं, आगे निकाल दिया, कुछ आवाज नहीं है, देखिए। इतना बड़ा पत्थर रहने के बाद में भी देखिए, निकाल दिया, खामोश हो गया मशीन, इरिटेटिंग आवाज नहीं है, इतना छोटी सी आइटम को भी आपको आराम से पकड़ रहा है। अभी देखेंगे अपन, ये जो साइज है, एक फोन है ये सैमसंग का, ये कितने फीट में पकड़ता है ये भी देखेंगे। अभी कुछ आवाज नहीं आ रहा है, कभी भी मशीन चलाते टाइम पे ऐसा इरिटेटिंग आवाज नहीं आना है, देखिए ऐसा चलाना है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सही से नहीं करा तो आवाज आता है हर एक प्लेस पे। थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैं लगा दिया 1.7, ठीक है, आवाज आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, थोड़ा दूर से लगाएंगे, यहां पर देखिए 2 या 3, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल आवाज आ रहा है आपको, लगभग 2.5-3 फीट तक आ रहा है। अभी देखिए, इतना बड़ा पत्थर रहने के बावजूद भी ये तो सिग्नल जा रहा है गोल्ड रेसर प्रो। अभी ये निकाल देता हूं, आवाज बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है, फिर लगा रहा हूं, देखिए। यानी आप कौन से भी मेटल डिटेक्टर ले लीजिए, आपको खाली वो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे चलाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो कर कर बोल के आवाज आ जाता है, तब आप चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इतना पत्थर है फिर भी ये 3 फुट तक, लगभग ये जो साइज है 3 फुट तक आ रहा है, निकाल दिया, कुछ आवाज नहीं है। अभी और एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है, ये छोटी सी ऑब्जेक्ट को आपको इतना डीप में भी आ रहा है, यानी लगभग 2.5-3 फीट तक आ रहा है। अभी ये ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसका साइज है, छोटी सी काने का प्लेट है, देखिए 3 फुट तक यहां पर आ रहा है, 3 फुट तक आ रहा है, मगर इसको थोड़ा ज्यादा डीप में लगाया तो आएगा या नहीं आएगा वो भी देखेंगे, अगर कुछ रियलिटी में पत्थर रहा तो जाता है या नहीं जाएगा। आप सुन सकते हैं, इतना पत्थर रहने के बाद में भी 4 फुट से, अभी कितना पत्थर है यहां पर देखिए, वो एक पत्थर है वहां पर, और ये पत्थर है, और ये पत्थर है, फिर भी सिग्नल। देखिए ना, बीच में कुछ नहीं है, निकाल दिया, आवाज बंद हो रहा है, जब घुमाता हूं चार फुट तक इतना छोटा ऑब्जेक्ट को इजीली पकड़ रहा है, ठीक है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट को 4 फुट पे भी पकड़ रहा है यहां पर, इतना पत्थर रहने के बाद में भी। और एक बार आपको बता दूंगा, देखिए कुछ, अगर कभी भी आप खुदाई चेकिंग करते टाइम पे कुछ पत्थर रहा तो भी सिग्नल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल डिटेक्टर्स में क्या हो जाता है, वहां पर आपको जो सिग्नल रिवर्स चले जाएगा, तब कुछ इतना पैसा लगा के खरीदने के बाद में कुछ फायदा नहीं है। अभी देखिए ये जो है एक बॉक्स है, ये कितने में जाएगा देखेंगे, ये लगभग 4.5 फीट तक आ रहा है, यानी 4.5-5 फुट पे नहीं आ रहा है, 4.5 फुट तक
4.5 फुट तक क्लियरली इसका आवाज आ रहा है। देख सकते हैं इतना पत्थर रहने के बाद भी। देखिए ये 1x1 का फ्लोर है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी लगभग 4.5 फीट तक यहां पर तो आ रहा है बड़ा ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, निकाल दिया, आवाज बंद हो गया। अभी तक आप नॉन मोशन मोड पे नहीं देखे है, अभी आप मोशन मोड पे, नॉन मोशन मोड पे देखे सो है, अभी मोशन मोड पे देखेंगे। यहां पर देखिए, अभी इसको लगा दिया, मोशन मोड पे कैसे रहता है देखिए। ऑलरेडी उसका पीछे मैं लगा दिया, सिग्नल नंबर भी आ रहा है, आवाज भी सुन सकते हैं। ये नॉन मोशन मोड पे, इससे पहले देखिए, अभी मोशन मोड पे अपन मशीन को हिला रहा है, मेटल डिटेक्टर को, तभी भी आवाज आ रहा है। थोड़े डिटेक्टर में क्या हो जाता है, मोशन मोड पे ही काम करेगा, नॉन मोशन मोड पे नहीं काम करता है। थोड़े डिटेक्टर क्या काम क्या हो जाता है, वो नॉन मोशन मोड पे ही काम करेगा, मोशन मोड पे नहीं काम करेगा। अभी अपन मोशन मोड पे काम कर रहे, आवाज बिल्कुल सुन सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी देखिए मशीन को यहां पर लगा दिया, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। यानी मशीन जो भी है, आप ट्रेनिंग रहना चाहिए, तभी आपको सिग्नल आराम से जाएगा। कौन से भी मशीन रहने दीजिए, तभी आपको सिग्नल आराम से जाके आपको पता भी चलेगा वो कौन सा मेटल है क्या है। अभी फिर इसको लगाएंगे अपन, निकाल दिया, आवाज बंद हो गया। यानी आपको कौन से भी मशीन रहने दीजिए, जब जब आप चलाते टाइम पे कुछ आवाज चलाते हैं, जब आवाज देके ऐसा नहीं आना चाहिए, कर बोल के इरिटेटिंग आवाज आए तो आप ऑपरेटिंग करना मुश्किल हो जाता है। सही ट्रेनिंग ले लीजिए, तभी आपको मशीन चलाने में बहुत आसान होता है, नहीं तो हर एक प्लेस पे कर बोल के आवाज आ जाता है, आपको चलाने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये ऑफिस है, यहाँ पर आजू बाजू में इतना मेटल रहने के बाद में भी आपको कुछ, जब मेटल के ऊपर जाते हैं तभी आवाज हो रहा है। ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। इतना पत्थर, यहां एक पत्थर है बेतम चरला का, ये पत्थर है, फिर भी सिग्नल जा रहा है। निकाल दिया, आवाज बंद हो जाता है। ठीक है, जो भी मशीन आप खरीदते हैं सही ट्रेनिंग से ले लीजिए, आपको बहुत मजा आता है। यही वीडियो यहां से एंड होता है फ्रेंड्स।